हमने क्या करना है, अभी एक नया फोल्डर बनाना है जिसमें एक नई ऐप बनानी है हमने, ठीक है? एक ब्रांड न्यू ऐप यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है? मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ, रिएक्ट के वाले फोल्डर में, और यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ कि npx create dash react dash app, और साथ में मैं इसका नाम क्या लिख देता हूँ, वेदर ऐप, ठीक है? वेदर ऐप मैंने मिला के लिख दिया। अरे यार, इसको सूडो नहीं लिखो ना तो ये मसला करता है। ख़त्म हो गई, चलो कोई नहीं। टाइम लगा रहा है उड़े भाई, इतनी स्पीड में डाउनलोड कर रहा है, 37 Mbps। अच्छा जी, तो हम एक नई ऐप इसलिए बना रहे हैं कि ये जो हम इससे पहले फॉलो कर रहे थे ना यहाँ पे, ये वाला रिएक्ट रेंडर डॉट डॉम और रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये ना लाइन अब इस तरह नहीं होती। अच्छा, दूसरा ये कि अभी तक हमने जो भी काम किया है ना, वो हमने इंडेक्स फाइल के अंदर किया है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, तो ये भी ज़रा मुनासिब नहीं है। ये तो हमने हेलो वर्ल्ड के चक्कर में कर लिया ना अभी इतना। इसका ज़रा फोल्डर का ना एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपोनेंट का इसके स्ट्रक्चर होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब जो हम ये वेदर ऐप बना रहे हैं ना, इसके अंदर इसके वो कंपोनेंट का वो स्ट्रक्चर हम फॉलो करें। बस ये बन जाए, ज़रा टाइम लग रहा है बहुत इसमें। यार तुम दोनों जो पीछे बैठे हो इसी क्लास के हो तुम? अच्छा, सही है, सही है, सही है। यार ये क्या हो गया, उसको आज की डेट में बनेगा ये कि नहीं बनेगा? हाँ, उसको पता लग गया कि हम जल्दी में ना, कंप्यूटर को भाई कभी भी ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप जल्दी में हो। कंप्यूटर को जहाँ पता लग गया ना फिर वो। चलो भाई, फाइनली ये बन के तैयार हो चुका है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें ना ज़रा देख लेते हैं फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है। ये जो SRC बना हुआ है ना हमारे पास, SRC के अंदर हमने तो सारी फाइलें डिलीट मार के हमने इंडेक्स की एक फ़ाइल को छोड़ा था ना सर, और उसमें हम सारा काम करते थे शुरू। ये अभी भी इंडेक्स से ही होगा। अब ये इंडेक्स के अंदर मैं जाता हूँ ना, तो देखो कि यहाँ पे क्या है। इंडेक्स के अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऐप के नाम का कंपोनेंट है जिसको इम्पोर्ट किया गया है किसी दूसरी फाइल से, और उस कंपोनेंट को ना यहाँ जस्ट रेंडर करवा दिया गया है, समझ रहे हो? अच्छा, तो इस फाइल को हम छेड़ेंगे नहीं, ये ऐप का कंपोनेंट जो बना हुआ है ना, हम उस कंपोनेंट में जाके अपना कंपोनेंट बनाएंगे, सही है, और यहाँ पे इसको रेंडर कराएंगे। अच्छा, क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो, अभी तो लग रहा है ना कि सिर्फ एक कंपोनेंट है, उसको इंपोर्ट किया और रेंडर कर दिया, लेकिन इस फाइल में करने वाले जो काम है ना, वो और तरह के काम है, ठीक है? इस फाइल में जो करने वाले काम है वो और तरह के काम है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इस क्लास में हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है? वो इसलिए हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि इस क्लास में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी को इंटरेस्ट है कॉन्टेक्स्ट पढ़ने में कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, तो वो जो वेब डेवलपमेंट की मेरी दूसरी क्लासेस चल रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि इसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है असल में, ठीक है? तो उसमें से कोई एक यूज़ कर रहे हो, या हम इसमें कोई
राउटर हम इस्तेमाल कर रहे हो, राउटर भी हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। राउटर क्या होता है कि डिफरेंट पेजेस पे जो नेविगेट करते हैं हम प्लेन एचटीएमएल में, इसमें ज़रा मुख्तलिफ तरह से होता है, तो वो भी हम इसमें कवर नहीं करेंगे। वो भी मैंने वेब की क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। क्यों नहीं करेंगे कवर? टाइम कम होने की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। सही है। तो इस फाइल में जो करने वाले काम है ना, वो और तरह के हैं। तो अल्टीमेटली ना, ये एक इस फाइल में, बावजूद इसके कि हम कोई कंपोनेंट नहीं बनाते, ये फाइल स्टिल 200 लाइन की हो जाती है। सही है। तो इस फाइल को हम इसलिए ज़रा क्लीन रखने की कोशिश करते हैं शुरू में। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? अब हम आ जाते हैं हमारे app.js के ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पर app.js पे। अब app.js पे देखो, ये एक ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है और ये नीचे एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, और इसी कंपोनेंट को इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, और इंपोर्ट करके उसको जो है ना रेंडर करवाया गया है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप देखो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर वाली जो लाइन है ना, वो अब हो गई है थोड़ी सी चेंज, ये नए वाली रिएक्ट में। सही है। तो वो हमने जो आर्टिकल फॉलो किया वो 3 साल पहले का है, तो उसने 3 साल पहले वाला वो रिएक्ट डॉट रेंडर लगाया हुआ है, तो इसलिए वो एक वो भी दे रहा होता था, क्या कहते हैं, एक वार्निंग भी दे रहा होता था। ठीक है, तो ये रूट डॉट रेंडर करके अब होता है, तो वो वाली चीज़ भी हमारी इसके अंदर सेट हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ लाइब्रेरीज लगी हुई हैं इस इंडेक्स की फाइल में, जैसे कि रिपोर्ट वाइटल्स। सही है। और इसमें एक टेस्टिंग की भी फाइल बनी हुई है। तो ये रिपोर्ट वाइटल्स क्या होता है? ये रिपोर्टिंग टूल है। ठीक है, रिपोर्टिंग टूल को भी हम कवर नहीं कर पाएंगे इस कोर्स में, लेकिन रिपोर्टिंग टूल क्या होता है कि आपकी ऐप के अंदर से ना एक अलग से आप प्लेटफॉर्म को बता रहे होते हैं कि इस ऐप में क्या हो रहा है, बंदा कहाँ क्लिक कर रहा है, ठीक है, कौन सा पेज ज़्यादा विजिट किया जा रहा है, हॉटस्पॉट कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर मेरा जो पेज है उसमें किस जगह पे बंदा जो है ना ज़्यादा देर स्टे करता है, किस चीज़ पे ज़्यादा देर क्लिक करता है, या किस चीज़ पे क्लिक करने की कोशिश करता है और क्लिक नहीं कर पाता। ठीक है, कौन सा ऐसा पेज है जहाँ पे आने के बाद वो ऐप को ही छोड़ के चला जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसा फीचर है, कौन सा ऐसा फॉर्म है, कौन सा ऐसा बटन है, कौन सा ऐसा सेक्शन है मेरा, कौन सा ऐसा मेन्यू है जिसके ऊपर आता है बंदा, तो वो मेन्यू आखिरी मेन्यू साबित होता है। ठीक है, तो वो भी मुझे ये रिपोर्टिंग टूल के ज़रिए पता लगता है। ठीक है, बल्कि मैं आपको एक लगे आता हूँ हॉट स्पॉट किस तरह से बन रहा होता है ना, वो भी बता दूँ। यार यहाँ तो आ ही नहीं रहा इमेज में वो। कुछ इस तरह से भी बन रहा होता है हॉट स्पॉट, लेकिन ये तो ज़रा बहुत ही अजीब कर दिया इसने। नहीं दिख रहा यार वो अभी यहाँ पे ना, नहीं दिख रहा है यहाँ पे वो अभी। एक UX वही अभी मैं दिखाने लगा हूँ, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा। ठीक है ना, तो हाँ यहाँ दिख गया ना, ये रहा, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया। ये इस तरह से ना रिपोर्टिंग मिल रही होती है मुझे कि बंदे का जो थंब है ना वो टच ज़्यादा किधर होता है। सही है, तो वो कुछ जो बनता है ना हॉटस्पॉट, वो कुछ इस तरह। ये असल में यूज़र एक्सपीरियंस का मैंने ये दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लिया मैंने। ठीक है, कि किस फ़ोन में ना बंदे का थंब कहाँ तक बड़े आराम से पहुँचता है। जैसे ये जो छोटे फ़ोन है ना, iPhone 4 जो थे, उसके अंदर जो ग्रीन वाला एरिया है जो आप देख रहे हो, बड़े आराम से यहाँ तक हाथ पहुँचता है आपका। ठीक है, इसी तरह जो बड़े वाले फ़ोन है आजकल, जो 6 प्लस कह लो, या जो अभी 6 प्लस वाले टाइम का लिखा हुआ आर्टिकल है, तो इसलिए इसमें 6 प्लस ही आखिरी दिखा रहा है, उसमें ज़रा थंब देखो कहाँ तक पहुँच रहा होता है। ठीक है, मेरे पास ये जो फ़ोन है ना, इस पर अगर मैं यूँ, ये देख रहे हो ये मेरा थंब कहाँ तक जा रहा है, देख रहे हो, अगर इस थंब की रेंज से मुझे बाहर क्लिक करना पड़ जाए तो मेरे लिए मसला है। तो ये कोशिश करते हैं कि जो मेन मेन फीचर है ना सारे वो इधर ही रखते हैं। अब नोटिफिकेशन भी उन्होंने इस वजह से को नीचे से बाहर निकाला है, पहले ये ऊपर से आता था, अब ये नीचे से आता है, ये इसी थंब के उसकी वजह से ना। तो ये बहरहाल ये यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ चला जाता है ये सारा गेम। तो
ये वाला काम ना रिएक्ट में भी आप कर सकते हैं, ये सारा काम ना रिपोर्टिंग टूल से होता है। अच्छा तो हम क्या कर देते हैं, अब आ जाते हैं ऐप डॉट जी एस में। अच्छा इस ऐप डॉट जी एस के अंदर ना एक अदद बना हुआ है कंपोनेंट, सही है, इस ऐप डॉट जी एस में एक अदद क्या बना हुआ है कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। इस कंपोनेंट की जगह हम क्या करेंगे, अपना खुद का कंपोनेंट बनाएंगे। अच्छा ये क्या हो रहा है, इसमें सूडो क्यों बोल रहा है बार बार ये, यार इसमें वही वाला काम करते हैं, इसकी तमाम के तमाम कॉन्टैक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को डिलीट करके इसकी जगह एक नई फाइल बना देता हूँ। क्या सीन है ये, इसको मैं जाता हूँ फाइंडर से जाके डिलीट मारूँगा इसको मैं, क्योंकि इस फाइल में अगर कोई मैं चेंजेस नहीं कर पा रहा तो ये मेरे फाइल किसी काम की नहीं हुई ना फिर है। अनेबल टू राइट राइट हाँ नहीं, परमिशन का कोई इशू हो गया इसके साथ ना। मैं काम करता हूँ इस वेदर ऐप में जाके ना या पूरे इसकी परमिशन को चेंज करता हूँ। हाँ अच्छा ये रिपॉजिटरी भी भेज रहा होता था कुछ अरसे पहले, अभी ज़रा देखता हूँ ये क्या किया इसने, रिपॉजिटरी तो नहीं भेजी अभी। वाई इज़ हैपनिंग, अरे यार ताला नहीं खोला मैंने, ताला खोल के ये काम होगा। सही है, और मैंने कहा कि अप्लाई टू इनक्लोज्ड आइटम्स, ओके विंडोज़ में ये इशू आया तुम लोगों के पास, लिनक्स में भी आ रही है। अच्छा सही है जी, ये हो गया, इसको अब मैं करता हूँ बंद और अब आके ज़रा यहाँ पे डॉट जे एस बनाता हूँ, बन गया भाई। अच्छा ऐप डॉट जे एस की स्पेलिंग क्या थी, कैपिटल ए से था, हाँ कैपिटल ए से था, ठीक है। अच्छा मैं ऐप डॉट जे एस में आ गया, अब इस फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे जो कंपोनेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है, अपना खुद का कंपोनेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अब सीन क्या है भाई कि यहाँ पे ना मुझे एक प्रॉब्लम और आ रही थी जो शुरू से ही आ रही है, उसका भी यहाँ पे हम हल कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना H1 ऐसे तो ये सजेशन नहीं दे रहा मुझे, इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस ऐप को आके ऐसे JSX करना होगा, ठीक है। अच्छा JSX में और JS में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, JSX में और JS में कोई डिफरेंस नहीं है, बिहेवियर का भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये जस्ट मेरे VS कोड को बताने के लिए मैंने JSX किया है, ठीक है, वरना VS कोड को समझ नहीं आता कि JavaScript है प्लेन या ये React की फाइल है, ठीक है। तो वंस इसको मैं JSX कर देता हूँ ना तो फिर इसमें क्या होता है, ये JSX के अंदर इंटेलिजेंस मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर किसी जैसे प्लेन जावास्क्रिप्ट में और MJS में डिफरेंस था, बिहेवियर में डिफरेंस था, इसमें बिहेवियर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं MJS लगाता तो उसमें प्लेन वेरिएबल ऑन क्लिक पे मिलता नहीं था ना, इस तरह की चेंजेस आ जाती थी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारे काम वही होंगे जो प्लेन JS में हो रहे थे। क्यों होंगे, क्योंकि वो जो JS की फाइल है ना वो भी असल में क्या है, वो एक्चुअल में JS की फाइल नहीं है, उसको भी ये कन्वर्ट मारते हैं बाद में, तो हम ES6 का सारा कोड लिख रहे होते हैं वो चलता है असल में ES5 में कन्वर्ट करके, ये पूरी फाइल कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि इसमें मैंने जो कोड लिखा है वो ES5 में है या नहीं है, वो इसको कन्वर्ट मारते हैं ES5 के अंदर। अच्छा अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा ना तो मुझे देखो ये सजेशन आना शुरू हो गई, और जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये चल जाएगा, तो इस वजह से मैंने ये काम कर लिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेदर ऐप, ठीक है, ये मैंने वेदर ऐप बना ली। अच्छा स्टाइल ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जाके ना, अच्छा देखो इस ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर ना ये ऐप डॉट सी एस एस भी बनी हुई है, ठीक है, इंडेक्स का अलग सी एस एस है, इसका अलग सी एस एस है, तो यहाँ पे आके ना इसके सी एस एस में इन तमाम फाइलों को भी मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, सही है, इसके अंदर मैं खुद की सी एस एस लगाऊंगा अभी। अच्छा अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने करना है इसके अंदर एक अदद फॉर्म बनाना है,
ठीक है, एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर मैं सिटी का नाम लिखूं और सबमिट का बटन प्रेस करूं तो मैं एपीआई कॉल करके वेदर का डेटा मंगवा सकूं। ठीक है, अभी जो हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्ट की ऐप से इंटरनेट पर एपीआई कॉल कैसे होती है। ठीक है, जो यहाँ पे आर्टिकल में बता रहा है ना, फेच डेटा विथ रिएक्ट, ये बात हो रही है, ये हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे फॉर्म चाहिए होगा। अच्छा जी, फॉर्म में मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी लेबल सही है, और उसके बाद मैं कहता हूँ इनपुट सही है, आईडी इस पर लगा देता हूँ मैं सही है, सिटी नेम, ये HTML फॉर और ये मैच हो गया सही है। लेबल में भी मैं बात लिख देता हूँ ना, सिटी ऐसे करके। अच्छा, इनपुट में मुझे और कोई चीज़ लगानी है क्या? मैक्स लेंथ वगैरह लगा सकता हूँ मैं? ठीक है, मैक्स लेंथ मैंने कह दिया 20 है, और मैंने कह दिया कि मिन लेंथ जो है वो 2 है। ठीक है, 2 कैरेक्टर से कम किसी सिटी का नाम नहीं होगा, मैंने ये बात कह दी। अच्छा, इसको रन करना है। अब मैंने रन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, सीडी करूँगा मैं, और सीडी करके इस ऐप के अंदर जाऊँगा। इस ऐप का नाम है वेदर ऐप, ठीक है, और npm स्टार्ट करूँगा तो ये वेदर ऐप मेरी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं जी कैसी दिखती है स्टार्ट होने के बाद। ये कुछ इस तरह की दिख रही है। इंस्पेक्ट को खोल लेता हूँ मैं, कॉन्सोल पे आ जाता हूँ। ठीक है, कॉन्सोल पे अब कोई वार्निंग नहीं है, जो लास्ट क्लासेस में वार्निंग आ रही थी ना, वो रिएक्ट डॉट रेंडर की वजह से आ रही थी, तो वो वार्निंग मेरी ऑटोमेटिकली हट गई है। अच्छा, अब ये जो मेरा वेदर ऐप है, इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे कुछ CSS वगैरह लगानी होगी, जो कि मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा, लेकिन थोड़ी देर में हम लगाते हैं। अभी मैं ये देखता हूँ कि ये जो सिटी नेम यहाँ पे मैं लिखूँगा, उस सिटी नेम को मुझे वो वैल्यू मिलेगी कैसे, सबसे पहले तो ये सवाल है कि जी वो मिलेगी कैसे। तो यहाँ पे मैं सबमिशन लगा लेता हूँ, ठीक है, बटन टाइप सबमिट, ठीक है, गेट वेदर, ठीक है जी, गेट वेदर का भी मैंने यहाँ पे बटन बना दिया कि जी सिटी का नाम लिखो आप और गेट वेदर कर लो, सही हो गया जी। अब यहाँ पे नीचे मुझे फॉर्म के ऊपर ना ऑन सबमिट का फंक्शन लगाना है मुझे, जो हम प्लेन HTML में भी इसी तरह करते थे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑन सबमिट। अच्छा, ऑन सबमिट में आप नोट करें, मैं इसको लिख रहा हूँ कैमल केस में, हालांकि मैं प्लेन HTML में ऑन सबमिट स्मॉल केसेस में लिखता था। इसी तरह यहाँ पे देखो, फॉर को मैंने लिखा है HTML फॉर, इसी तरह मैंने लिखा है मैक्स लेंथ को भी कैमल केस में लिखा है यहाँ पे। तो मैंने सबमिट के लिए ना ये फंक्शन मैंने लगाना है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट वेदर, गेट वेदर का। अब गेट वेदर के नाम का मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि इसके ऑन क्लिक यानी ऑन सबमिट पे इसके चलेगा वो फंक्शन। आ जाओ भाई, मैंने कहा कि जी कॉन्स्ट गेट वेदर ये मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया। अच्छा, इस फंक्शन को भी मैं कंपोनेंट से बाहर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इसको बाहर नहीं लगाऊंगा कंपोनेंट से, क्योंकि ये कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है, कंपोनेंट के अंदर ही इसको मैं हमेशा इस्तेमाल करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे मिलेगा इवेंट सही है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली मुझे मिलता है। HTML के अंदर तो मुझे यहाँ पे जब इसको करता हूँ ना मैं, तो मैं कॉल सिग्नेचर लगाता हूँ यूँ, और यहाँ पे मैं इवेंट लिखता हूँ तो मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक है, इसमें लेकिन क्या होगा कि मैं ऑन सबमिट पे कॉल सिग्नेचर नहीं लगाऊंगा, बट मुझे इवेंट ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि मेरे इस पूरे कंपोनेंट को चलाता कौन है, रिएक्ट चलाता है। जब इस कंपोनेंट को रिएक्ट हिट करेगा, रेंडर करेगा, जब रन करेगा, तो वो उसमें इवेंट दे के ही इसको कॉल करता है। सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, इवेंट डॉट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्सोल लगाऊंगा के जी गेटिंग वेदर, आ जाओ जी,
यहाँ पे हम लगाते हैं, मैंने कहा कि ए बी और गेट वेदर, सही है, गेटिंग वेदर हो गया, सही है। अगर मैं बिल्कुल एक कैरेक्टर लिखता हूँ तो मुझे ये नहीं जाने देता, सही है। और इसी तरह से मैं अगर 20 कैरेक्टर लिखता हूँ तो उसके आगे मुझे जाने नहीं देगा ये, क्योंकि मैं मैक्स लेंथ और मिनिमम लेंथ में लगा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। साथ में इसके रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ मैं, सही है, रिक्वायर्ड जस्ट मैं ऐसे करके दे दूंगा तो भी सही है, ठीक है। तो मैं वैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि भाई प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, उसके बगैर उसको सबमिट को चलने नहीं देगा वो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई कराची, सही है, और हिट किया तो ये गेटिंग वेदर का फंक्शन कॉल हो गया। अब ये गेटिंग वेदर का फंक्शन जैसे ही कॉल हो जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट की वैल्यू को गेट करना है। इस इनपुट की वैल्यू को गेट करने के लिए मैं क्या करूँ यहाँ पे, HTML में कैसे करता था, आईडी के जरिए करता था मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉन्स्ट सिटी नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सिटी नेम डॉट वैल्यू, ठीक हो गया जी। और ये सिटी नेम मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सिटी नेम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि गेटिंग वेदर ऑफ, जो है ना, सिटी का नाम भी मैं प्रिंट करा देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है गेटिंग वेदर ऑफ कराची, ऐसे करके लिखा हुआ जाएगा, देखते हैं अब क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे अगेन कराची लिखा, एंटर किया तो गेटिंग वेदर ऑफ कराची लिखा हुआ गया। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये वाला तरीका यहाँ पे मुनासिब तरीका नहीं है। मुनासिब तरीका यहाँ पे कौन सा वाला है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर भाई मेरे प्रॉब्लम ये है कि अगर, क्योंकि मेरा जो कंपोनेंट है मुझे तो नहीं पता ना वो कि किस ऐप में वो चल रहा है, मेरा जो कंपोनेंट है लगा हुआ है वो किस ऐप में चल रहा है मुझे थोड़ी पता है ये बात। तो एक बड़ी ऐप के अंदर 200 कंपोनेंट्स हैं, अगर किसी और कंपोनेंट के अंदर भी लगा हुआ होगा ना ये सिटी नेम के नाम से आईडी लगी हुई होगी तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा, सही है। तो इस वजह से, अच्छा, बावजूद इसके कि रिएक्ट जो है ना वो आईडीज़ को चेंज करता है, आईडी को ये रिएक्ट सेम नहीं रखता, जैसे सिटी नेम है ना तो उसको ये चेंज करेगा आईडी को ये, और इसको मतलब मिनीफाई करता है, अग्लीफाई करता है, तो उसके अंदर वो चेंज हो जाता है। तो अगर दो अलग अलग कंपोनेंट है ना उसकी दोनों की आईडी अलग अलग ही होगी, सेम नहीं होगी। अगर दोनों में सिटी नेम रखा है तब भी अलग होगी, लेकिन स्टिल रिएक्ट के अंदर ना जो प्रेफर्ड तरीका है उसको उठाने का वैल्यू को वो कुछ और है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर जो प्रेफर्ड तरीका है उसको उठाने का वो कुछ और है, तो आओ ज़रा वो वाला भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला तरीका देख लिया इनपुट से वैल्यू उठाने का, जो कि दिस इज कर सकते हैं लेकिन नॉट प्रेफर्ड है, ये नॉट रिकमेंडेड नहीं है। हाउ एवर, नॉट रिकमेंडेड और नॉट प्रेफर्ड में फ़र्क है, सही है। तो ये नॉट प्रेफर्ड है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैं ये जो इनपुट है ना मेरा, इस इनपुट को ज़रा मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये रीडेबल हो जाए। अरे भाई क्या सीन है ये, इस इनपुट के अंदर ना मैं ऑन चेंज लगाऊं एक, सही है, इस इनपुट के अंदर मैं ऑन चेंज लगाऊं, जाहिर है इनपुट फील्ड के अंदर ऑन चेंज का पैरामीटर होता है ना मेरे पास, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन रन करवा दूं कि जब भी इस इनपुट में कोई ए प्रेस करे ना तो एक फंक्शन चले, जब भी इस इनपुट में कोई ए प्रेस करे तो एक फंक्शन चले। अच्छा, उस फंक्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, तो मैं इसको कह देता हूँ कि चेंज हैंडलर, इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ, बावजूद इसके कि मैं ये फंक्शन यहाँ पे भी बना सकता था, ठीक है, इसी जगह पे मैं ये फंक्शन पूरा बना सकता था, लेकिन मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे नहीं बनाया, मैंने इसको चेंज हैंडलर इसका नाम रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, कॉन्स्ट और चेंज हैंडलर के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ पूरा, ठीक है, जस्ट टू मेक इट विजिबल। अच्छा, इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, इवेंट मिलता है चेंज हैंडलर में, ऑन चेंज जब चलता है उस पर एक इवेंट मिलता है मुझे, और वैल्यू मुझे कहाँ पर मिलती है, इवेंट डॉट
डॉट वैल्यू, सही है, ऐसे करके मुझे उसकी वैल्यू मिल रही होती है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू इस वक्त आ चुकी है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेट करा सकता हूँ मैं किसके अंदर, स्टेट के अंदर, ठीक है, सेट सिटी नेम। अच्छा यहाँ पे ये स्टेट अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वो एसिंक्रोनस वाले तरीके की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि एक दफ़ा ये प्रेस होगा तो एक दफ़ा चलेगा, अगली दफ़ा जब ये प्रेस करेगा बंदा तो थोड़ी देर बाद ही करेगा वो। अच्छा तो ये सिटी नेम को जो है ना मैं यहाँ पे एक स्टेट बना देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने इसको शुरू में दे दिया, और मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, ये स्टेट बन के मेरे पास तैयार हो गई है। अब ये स्टेट में एट एनी गिवन टाइम इस स्टेट के अंदर मुझे क्या मिल रहा होगा, एट एनी गिवन टाइम इस स्टेट के अंदर मुझे वो वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कॉन्सोल भी एक लगा दूँ चुन्ना मुन्ना सा, ठीक है, और मैं बोलूँ इसको चेंज हैंडलर, सही है, और कॉमा लगा के इसमें मैं ये पूरी वैल्यू को अगर यहाँ पे प्रिंट भी करवा दूँ साथ साथ कि आ क्या आ रहा है इसमें मुझे पता लगे, तो आप ये नोट करेंगे कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके ए लिखता हूँ तो ये मुझे ए मिलता है, मैं बी लिखता हूँ तो मुझे बी और ए भी दोनों, जो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे मिलता जाएगा यहाँ पर। तो मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा उतनी दफ़ा क्या होगा, वो ऑन चेंज चलेगा और वो सेट वैल्यू करके ना उसको चेंज कर देगा स्टेट में। तो एट एनी गिवन टाइम जब मैं गेट वेदर का बटन दबाऊँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे वो स्टेट मिल सकती है। ठीक है, तो मैं बजाय इसके अब क्या करूँगा, ये जो क्वेरी सेलेक्टर लगा के मैं उठाता था इसकी जगह मैं अब वो डायरेक्ट वो स्टेट पकड़ लूँगा। ठीक है, सिटी नेम के नाम से मेरे पास ये स्टेट मौजूद है। आओ ज़रा आप देखते हैं, मैंने कहा कि कराची और गेट वेदर, तो आप देखें गेट वेदर ऑफ कराची इसको यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। सही है, ये तरीका भी अनफॉर्चुनेटली प्रेफर्ड तरीका नहीं है। सही है, ये भी मौजूद है लेकिन ये प्रेफर्ड नहीं है। सही है, कर सकते हैं आप ये भी, ऐसा नहीं है कि इसको करने से कोई मसला होगा, लेकिन इसको करने से एक मसला होगा, इसको करने से एक मसला ये होगा कि यार ऑन चेंज पे ना आप जितनी दफ़ा क्लिक करते हैं ना उतनी दफ़ा ऑन चेंज आपका चलता है, उतनी दफ़ा वो सेट स्टेट करता है, तो वो ज़रा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये। ठीक है, फ्रंट एंड के हिसाब से ना ज़रा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये। ठीक है, ऑन अदर एंड अगर आप पहले जो इनिशियली हम काम करते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर वाला, ये जो हम काम करते थे, तो इस वाले तरीके में क्या होता था कि जब बंदा पूरा लिख लेगा कराची और लिख के जब सबमिट दबाएगा तो जब ही वो एक दफ़ा गेट करता था, बार बार नहीं उसको चला रहा होता था हर क्लिक के ऊपर, यानी हर बटन प्रेस के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका क्या मौजूद है, रेफ़ करके मौजूद है। ठीक है, ये रेफ़ वाला जो तरीका है ना वो ऑलमोस्ट जिस तरह हम आईडी से गेट करते हैं ना वही वाला तरीका है, लेकिन हम क्या करते हैं रेफ़ से उठा लेते हैं उसका। मैं सिंटैक्स मुझे याद नहीं है रही है क्योंकि वो रिलेटिवली नया माल है, जो रेफ जो है ना वो रिलेटिवली ज़रा नया माल है। तो ज़रा यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन है इसका। नई वाली कैसे खुलेगी, हाँ अच्छा, गो टू रिएक्ट डॉट डेव, यस, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कि रेफ रेफरेंसिंग वैल्यू विद रेफ, यूज़ रेफ, एक्चुअली ना हमें क्या क्या चाहिए, यूज़ रेफ चाहिए। अच्छा तो यूज़ रेफ को हम बनाते हैं बिल्कुल यूज़ स्टेट की तरह, ऐसे यूज़ रेफ बना लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें एक इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने ऐसे करके यूज़ रेफ बना लिया। यूज़ रेफ को मैं क्या करूँगा, यहाँ से इम्पोर्ट भी करूँगा। सही है, इम्पोर्ट भी कर लिया मैंने। अब यूज़ रेफ को मैं इनिशियल वैल्यू क्या दूँ, ज़रा नीचे आ जाते हैं और एग्जांपल पे देख लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू उसको मैं क्या दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस केस में नल दे दिया इसको इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो हम भी आगे नल दे देते हैं।
अच्छा, यूज रेफ को ना बिल्कुल यूज स्टेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी इनपुट के, लेकिन बना असल में ये इनपुट के हिसाब से ये। अच्छा अब आ जाते हैं, सही है। अरे कोड एग्जांपल तो बता। कोड एग्जांपल नहीं बता रहा, नहीं वो इनपुट में लगाने के लिए वो क्या एट्रीब्यूट होता है जिससे इनपुट में लगता है, वो सिर्फ रेफ होता है। ये आ गया ना, ये रहा, ये माल है, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो रेफ मैंने बनाया है ना, इस रेफ को मैं अटैच कर दूंगा अपने इनपुट के साथ यहाँ पे आके, सही है। रेफ लिखा मैंने, और रेफ लिख के ना मैंने कह दिया इनपुट, क्या नाम रखा था मैंने रेफ का अपने, अच्छा इनपुट रेफ कर देता हूँ उसको मैं, सही है, इनपुट रेफ कर दिया मैंने उसको। और यहाँ आके मैं इसको लिख देता हूँ भाई इनपुट रेफ। अच्छा मैं इस पर से ये चेंज हैंडलर हटा नहीं रहा हूँ, तो वो भी चलता रहेगा चेंज हैंडलर भी, लेकिन चलो एक ही बात है, लेकिन वैल्यू हम उठा रहे होंगे इस वक्त रेफ से, ठीक है। वैसे एट अ टाइम आप एक ही चीज़ लगाएंगे, जो तीन तरीके मैंने, तीसरा बता रहा हूँ ये मैं, तीनों में से कोई एक ही लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे आपके बार बार आप लगा रहे हो। अच्छा और अब जब आप करेंगे ना वैल्यूज़ की, कैसे उठाएंगे आप वैल्यू, आप इसकी उठाएंगे इनपुट रेफ डॉट करंट, ठीक है। इनपुट रेफ डॉट करंट से आपको क्या मिलेगा, इनपुट रेफ डॉट करंट जब आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको गौर से समझो क्या मिलेगा। देखो शुरू से समझ आता हूँ, ये मैंने एक रेफरेंस बनाया, शुरू में इसकी वैल्यू क्या थी, नल। अच्छा बाद में मैंने क्या किया, मैंने आके इस इनपुट के ऊपर जो है ना इसका ये रेफ लगा दिया, तो अब वो असल में रेफरेंस जो था ना, अब वो इस इनपुट से अटैच हो गया, इस इनपुट से कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस इनपुट से कनेक्ट हो गया। अच्छा एट एनी गिवन टाइम, अब अगर मैं इसको बोलता हूँ ना इनपुट रेफ को मैं कंसोल कराता हूँ अगर, तो मुझे ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मिल जाएगा, जस्ट लाइक अगर मैं उसको आईडी से उठाता ना तो कैसे कंपोनेंट पूरा मिल जाता है, तो इसी तरह मुझे इनपुट रेफ डॉट करंट से वो पूरा का पूरा कंपोनेंट मिल जाएगा। तो जब मैं आईडी से उठाता था तो मैं वैल्यू कैसे गेट करता था, डॉट वैल्यू लगा के, तो इस पर भी डॉट वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। अच्छा अब इनपुट रेफ से इसको उठाने में एलिमेंट को और आईडी से उठाने में क्या फ़र्क है, दो फ़र्क है मेजर। एक तो वो वाला डिफरेंस है जो शुरू में हमने बता दिया कि वो आईडी कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है कहीं ना कहीं, अगली फाई मिनी फाई और चेंजेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है। दूसरा ये कि जब मैं इसको आईडी के ज़रिए उठाता हूँ ना तो ये एलिमेंट पूरा का पूरा उठा के लेकर आ जाता है, ठीक है, जिसमें डॉम के मेथड्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर चाइल्ड पेरेंट नॉट शॉर्ट पता नहीं क्या क्या शामिल है। जब मैं इनपुट रेफ डॉट करंट उठाता हूँ ना तो ये पूरा एलिमेंट नहीं उठा के लाता, ये सिर्फ वो चीज़ें उठा के लाता है जो रिएक्ट में इस्तेमाल के काबिल हैं, जो चीज़ें रिएक्ट में इस्तेमाल के काबिल नहीं है वो उसको उठा के नहीं लाता ये। जैसे कि रिएक्ट के अंदर डॉम के मेथड्स आप नहीं लगाते क्योंकि डॉम रिएक्ट पूरा खुद संभालता है, तो डॉम के मेथड इसके अंदर नहीं लाता ये, तो ये सिर्फ वो चीज़ें लाता है जैसे कि वैल्यू एट्रीब्यूट उसके ऊपर लगा हुआ स्टाइल, ये सारी चीज़ें लाता है बस, बहुत सारा कुछ नहीं लाता, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे वैल्यू करके उठा लिया, तो यहाँ पे भी गेटिंग वेदर जब मैं करूँगा तो इनपुट के अंदर जो भी इस वक्त वैल्यू होगी वही यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए गेटिंग, गेटिंग बाई आईडी, लेकिन ज़रा ये क्लीनर वे में हो जाता है और इसके अंदर वो वाले सारे खदशात नहीं रहते। रिफ्रेश किया मैंने इसको और मैंने यहाँ लिखा कराची, ये हमारा हैंडलर चल रहा है ना चेंज हैंडलर, इसको मैंने हटाया नहीं था, जब गेट वेदर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कराची आ जाता है। तो इनपुट से किसी वैल्यू को उठाना हो अगर हमें, तो उसके लिए जो रेकमेंडेड तरीका है ना वो रेफ है, वो स्टेट नहीं है, ठीक है, वो क्या है, रेफ है, ठीक है। स्टेट उन चीज़ों के लिए रेकमेंडेड है कि जिसको मैंने स्क्रीन पर रेंडर करवाना है। अच्छा रेफ को भी मैं स्क्रीन पर रेंडर भी करवा सकता हूँ बाई द वे, ठीक है, लेकिन इनपुट से उठाने के लिए आप ये रूल ऑफ थंब रखें कि यार रेफ जो है ना वो क्या है, रेकमेंडेड वे है। इवेंट डॉट टारगेट भी पूरा कंपोनेंट उठाता है, डॉट वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू मिलती है, एक से ज़्यादा इनपुट होंगे तो एक से ज़्यादा रेफ होंगे, ठीक है, तो ये तीन चार पाँच छः ऐसे आप जितने रेफ बना लो, ठीक है। इसको फिर मैं लिखता सिटी नेम रेफ, फिर मैं लिखता स्टूडेंट नेम रेफ, फर्स्ट नेम रेफ, लास्ट नेम रेफ, ऐसे करके बनाता हूँ, सही है। तो मैं जितने इनपुट होंगे उतने रेफ बनाऊंगा, क्योंकि देखो स्टेट में भी तो यही करता ना मैं, स्टेट में भी एक है तो जितने तीन चार पाँच होते उतने स्टेट भी तो बनाता ना, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ये वाला ज़रा सा एक्सपेंसिव कम है,
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इस पॉइंट तक मैंने क्या कर लिया है, इसको ज़रा मैं बिग पिक्चर में दिखा दूं कि हम क्या कर चुके हैं इस वक्त। हम इस वक्त हमने एक फॉर्म बना लिया है जिसमें मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ लगा के उसकी जो वैल्यू है उस फॉर्म के सबमिशन पे उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे उठा लिया। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब इस वैल्यू को लेके हमने क्या करनी है, एक अदद एपीआई कॉल लगानी है। ठीक है, इस वैल्यू को लेके एक अदद एपीआई कॉल लगानी है। एपीआई कॉल लगाने के लिए हम आ जाते हैं वेदर के ऊपर, वेदर डॉट कॉम। वेदर एपीआई डॉट कॉम था यार, वो तो ओपन एपीआई वाले पैसे वैसे मांगने लग गए हैं आजकल यार। ये वाला सही है ना दादा? हाँ, लास्ट भी मैंने देखा था तो ये वाला ज़्यादा सही फील कराया था इसने। अच्छा, इसका एक रैपिड एपीआई भी है। क्या हो गया भाई, खुल ही नहीं रहा ये तो। अच्छा, इस पे ज़रा लॉग इन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा चलो, अभी इसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी डिफरेंट एपीआई यूज़ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मेरे पास ना देखो एपीआई की आ रही किसकी, वेदर एपीआई की। अब की बार हम ज़रा डिफरेंट एपीआई यूज़ कर लेते हैं। पहले हमने ओपन वेदर की थी, क्योंकि वेदर की बहुत सारी एपीआई हैं, सारी पेड भी हैं और फ्री भी हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, इस एपीआई की को ना। अच्छा, यहाँ से हम एक्जियोस से अब इस पर रिक्वेस्ट मार रहे होंगे, ठीक है, एक्जियोस डॉट गेट में भी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे URL वेदर एपीआई डॉट कॉम और स्लैश और समहाउ ऐसे करके हम लिख रहे होंगे ना। इसको ज़रा मैं बैक टिक कर लूँ, इसको ज़रा मैं बैक टिक कर लूँ। और यहाँ पे कहीं मुझे ना ये एपीआई की भी देनी पड़ेगी, इस जगह पे कहीं ना कहीं मुझे ये एपीआई की। अच्छा, इस एपीआई की को मैं कहाँ रखूँगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर रखूँगा, ठीक है। बावजूद इसके कि रिएक्ट के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल रखने के बावजूद भी वो फ्रंट एंड का पार्ट ही होती है, ठीक है, इसमें प्राइवेसी नहीं होती, तो इसलिए। अच्छा, वैसे हम सम टाइम ये जो है ना, इस तरह की एपीआई ना, इसमें की होती है, उसको हम फ्रंट एंड से डायरेक्ट कॉल नहीं करते, हम कॉल करते हैं अपने सर्वर को और हमारा सर्वर इस एपीआई को कॉल करता है आगे। तो हम ये अप्रोच करते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट टू लर्न के हाउ टू मेक इंटरनेट रिक्वेस्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो हम ये इस तरह कर रहे हैं इसको फिलहाल। अच्छा, एपीआई में जल्दी से चलते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और 5 मिनट में हम जल्दी से इसको निपटाते हैं। अबे क्या सीन है। अच्छा, ये मुझे इसने पूरा URL बना के दे दिया ना, सही है, ये इसने मुझे पूरा URL बना के दे दिया था जिसमें API की वगैरह सब कुछ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो लंदन लिखा हुआ है, लंदन की जगह जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं अपने सिटी नेम इनपुट रेफ, एक्चुअली इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू ये लगा दूँगा, ठीक है, और ये लगा के इसको भेजूँगा, तो मुझे ये क्या करके ला के देगा, सही है। ओ क्या कर रहा हूँ मैं ये। अच्छा, एक्जियोस को मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो एक्जियोस को जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको रोका मैंने चलते हुए सर्वर को, मैंने कहा npm exios, साथ में sudo भी लगा देते हैं जस्ट इन केस, सही है। अच्छा, इस एक्जियोस को मैंने क्या करना है, अब अवेट पे डाल देना है ऐसे, और मैंने कहा const response equals to await और exios, ठीक है जी। वापस npm स्टार्ट कर देता हूँ और इस फंक्शन को async कर देता हूँ, इस फंक्शन को मैं, ठीक है, ऊपर इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा बिल्कुल exios को, import exios from exios,
ठीक है जी, एक्जियोस इम्पोर्ट हो गया और अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये रिस्पॉन्स मिल रहा होगा यहाँ पे। रिस्पॉन्स को यहाँ पे कॉन्सोल करवा लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके मैंने इसको रिस्पॉन्स को यहाँ पे क्या करवा लिया, कॉन्सोल करवा लिया। अच्छा, हमेशा एपीआई कॉल हमेशा मैं किसमें करूँगा, हमेशा मैं ट्राई कैच के अंदर करूँगा। सही है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर मेरे पास किसी भी किस्म का कोई एरर आता है तो मेरा कोड ब्रेक हो सकता है। अबे क्या, मैंने कौन सी ब्रैकेट मिस कर दी, मैंने कोई ब्रैकेट मिस कर दी है भाई। दबे अच्छा, कैच में ई जब तक नहीं लिखता ये एरर देता रहता है। हाँ सही है, आप सही हो गया। सही है, मैंने जस्ट अभी कैच के अंदर मैंने कोई काम नहीं कराया खास, बस एरर को यहाँ पे कंसोल करा दिया। ठीक है, ऐसा कंसोल कराने से क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई एरर आता है अगर, तो वो कैच में जस्ट कंसोल हो जाएगा और मेरी ऐप को ब्रेक नहीं करेगा, वो मेरी चलती हुई ऐप को रोकेगा नहीं वो। ठीक है, उसको जिसको हम देसी ज़बान में कहते हैं कोड फट जाएगा मेरा, तो कोड मेरा फटेगा नहीं इसमें, कोड फटने से बच जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा चला के देखता हूँ कि क्या होता है। यार ये हैंडलर के अंदर जो कंसोल है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ये कैची हो रहा है ना बिला वजह ना। सही है, कराची लिखा मैंने और एंटर प्रेस किया तो गेटिंग वेदर ऑफ कराची, और उसके बाद ये मेरे पास वेदर के कुछ ना कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ गई मेरे पास। अच्छा, ये जो वेदर की डिटेल्स आई थी मेरे पास, ये क्या था, ये एक ऑब्जेक्ट है, ज़ाहिर है जो आया है मेरे पास। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को पूरे को मैं क्या करवा दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को पूरे को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए इसको क्या करना होगा, ब्रैकेट डाल डाल के मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मैं फॉर्म के नीचे आऊँगा और एक अदद मैं डिव बना लूँगा ऐसे, और एक अदद डिव बनाने के बाद क्या करूँगा, मैं डिव बनाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं सिटी नेम, और ऐसे करके यहाँ पे टेम्परेचर, और ऐसे करके यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे लिख दूँ, क्या करूँ मैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जो भी था इसके अंदर, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट करंट, और करंट के अंदर टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, टेम्प अंडर स्कोर सी। ठीक है, करंट डॉट टेम्प अंडर स्कोर सी। हाँ भाई, हो जाएगा ऐसे ही डिस्प्ले, ये स्टेट बनेगी इसकी। ये जो मेरे पास आया है ना, ये एग्जियोस रिस्पॉन्स कहाँ गया, ये जो एग्जियोस रिस्पॉन्स, ये तो कांस्टेंट वेरिएबल है और ये इसी फंक्शन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर बनने की वजह से ये बाहर अवेलेबल हो गई नहीं। ठीक है, तो लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है इसलिए। ठीक है, अगर स्क्रीन पर नहीं डिस्प्ले कराना होता तो मुझे स्टेट की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, डेटा के नाम से बना लेता हूँ मैं। ठीक है, और शुरू में इसको रख देता हूँ मैं नल। ठीक है, डेटा और सेट डेटा, ये हो गया जी हमारे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा करके, अच्छा नहीं, सेट तो कराया ही नहीं है उसको मैंने, जहाँ पे मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया था ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट डेटा करके रिस्पॉन्स डॉट डेटा को यहाँ पर मैं सेट करा दूँगा। ठीक है, और कैच में मैंने ये काम नहीं करवाया, कैच अगर होता है तो फिर ये इस डेटा के अंदर नल ही रहेगा। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा डेटा डॉट करंट डॉट टेम्प अंडर स्कोर सी। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाना चाहिए, होपफुली डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अच्छा, ये डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, इसने एरर दे दिया, इसने क्या एरर दे दिया, इसने बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। इसने बोला ये जो डेटा डॉट करंट आप लगा रहे हो ना, ये डेटा है नल, मुझे ये नहीं पता लग रहा है इसमें करंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करूँगा मैं, इसके अंदर एक नलिश ऑपरेटर लगाऊंगा मैं। सही है, दिस इज़ कॉल्ड नलिश ऑपरेटर। ये क्या करता है कि अगर इतना पार्ट अगर नल होगा ना तो कोड को ब्रेक नहीं करेगा। ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये नल चेक के तौर पे इसको हम लगा रहे होते हैं, तो ये नलिश ऑपरेटर मैंने लगा दिया, तो इससे क्या होगा, अब अगर ये नल होगा ना तो ये इसको कंसिडर नहीं करेगा, एम्प्टी कंसिडर करेगा इसको, ये नल अनडिफाइंड सारे को चेक करता है। ये नल चेक, असल में नल चेक में सब आ जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कराची, एंटर। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर आया यहाँ डिस्प्ले हो गया, जैसे ही टेम्परेचर आया डिस्प्ले, इसमें सिटी का नाम भी आता होगा होपफुली।
सिटी का नाम नहीं आ रहा, आ रहा है लोकेशन, यस लोकेशन डॉट कंट्री और लोकेशन डॉट नेम, लोकेशन डॉट कंट्री और लोकेशन डॉट नेम है ना, डेटा डॉट सही है लोकेशन डॉट नेम और प्लस में अब मैं ये इसमें भी क्या करूँगा, मैं नलिश ऑपरेटर है सब में मुझे लगाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे अगेन ही एरर दे देगा। अच्छा इसको मैं टर्नरी से भी हैंडल कर सकता हूँ लेकिन टर्नरी ज़रा सा लंबा कोड हो जाता है, इफ एल्स से भी हैंडल कर सकता हूँ लेकिन इफ एल्स ज़रा टर्नरी से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, नलिश ऑपरेटर ज़रा इस काम को करने का ज़रा शॉर्ट सा एक तरीका है। ठीक है मैंने कराची लिख के एंटर किया, ठीक है जी, तो ये कराची पाकिस्तान और इसमें बी आर नहीं लगा हुआ तो इस वजह से जो है ना ये क्या कर रहा है, गेट वेदर किया और ये क्या हो जाता है, गेट वेदर हो जाता है। अच्छा अब आप सब लोगों का असाइनमेंट क्या है, ये सब समझ आ गया? असाइनमेंट भाइयों ये है कि अभी तो क्या होता है कि यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है और इस फॉर्म के ऊपर मैं एक बल्कि यहाँ पे एक वो लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूल लगा देता हूँ, सही है, ऊपर एक फॉर्म बना हुआ है और नीचे एक ही दफ़ा सिटी का नाम लिखा हुआ आ रहा है और एक ही वेदर आ रहा है। आप सब लोगों का असाइनमेंट ये है कि जब मैं यहाँ पे लिखूँ ना कराची, एंटर करूँ तो ये कराची का तो पहला आ गया, सही है, लेकिन ये इस तरह से ना है, ये एक खूबसूरत कार्ड बना हुआ है यहाँ पर, सही है, खूबसूरत कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड में क्या क्या हो वो सब कुछ हो जो यहाँ है, दिखा रहा हूँ मैं वेदर का कार्ड दिखा रहा हूँ, वो सब कुछ जो यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, ये सब कुछ इस कार्ड में होना चाहिए, ये फोटोज़ भी होनी चाहिए कि अगर देखो अभी हेज़ दिखा रहा है, हेज़ का लोगो ये है, अगर सनी होता तो उसमें सन बना हुआ आ रहा होता, ये सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और भी कार्ड दिखा देता हूँ मैं, बल्कि इधर होगा ना, यहाँ पे है मेरे पास, ये मेरे पास जो वेदर ऐप है ये देख रहे हो, इस तरह का कार्ड बना हुआ चाहिए, अगर ये देखो बैकग्राउंड में देख रहे हो एनिमेशन है, ये बकायदा विंड दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है विंड, अगर बारिश होती है ना तो ये बारिश दिखा रहा होता है, अभी देखते हैं कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी, वैंकूवर, वैंकूवर में सिर्फ रात है, देखो रात है तो रात दिखा रहा है, सही है, तो अगर ये भी हो जाए तो क्या ही बात है, दुबई में इस वक्त धूप निकली हुई है, बलूचिस्तान में भी धूप है इस वक्त, ठीक है, और इसमें कोई दूसरा लिखता हूँ मैं, बारिश कहाँ हो रही होगी इस वक्त, लंदन में भी धूप है भाई, सब जगह धूप निकली हुई है, तो वेल हमने क्या देखा कि हमें ऐसा कार्ड चाहिए जिसके अंदर ये जितना भी डेटा है ना, ये देख रहे हो जितना भी डेटा है ये सारा मुझे दिखाना है इसके ऊपर, सही है, टाइम वगैरह सब कुछ, जो जो ये एपीआई आपको देती है ना, जो जो डेटा, वो सारा डेटा, जो डेटा ग्राफ में दिखने वाला है वो ग्राफ में दिखे, जो एरो बन के दिखने वाला है विंड वाला वो एरो बन के दिखे, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, सही है, इतनी बात समझ आ गई, यहाँ पे कार्ड बनकर आए। अच्छा फिर क्या हो, जब मैं यहाँ पे कराची लिख दिया मैंने और कराची के बाद मैं यहाँ पे लिखूँ लंदन और एंटर करूँ जब मैं, सही है, तो यही वाला कार्ड रिप्लेस नहीं हो बल्कि यहाँ पे एक और कार्ड बना हुआ जाए, कराची वाला नीचे चला जाए और यहाँ पे एक और कार्ड बना हुआ जाए, कैसे होगा, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, एक ही कंपोनेंट बनाओगे आप और जितनी दफ़ा एपीआई कॉल होगी उसी कंपोनेंट को आप दोबारा 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 रेंडर करते जाओगे, तो लिहाजा ये है कि अगर मैं 10 सिटीज़ का यहाँ पे नाम लिख दूँ यक के बाद दिख रहे, ठीक है, पहले लंदन फिर कराची फिर बलूचिस्तान फिर जो भी सिटीज़ हैं मेरे पास, सही है, यक के बाद दिख रहे, अगर मैं नाम लिखता जाऊँ तो नीचे कार्ड बने हुए आते जाएँ आते जाएँ आते जाएँ, ये असाइनमेंट आप सब लोगों का नेक्स्ट क्लास में हुआ वो होना चाहिए, ठीक है, अगर ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं हुआ तो ये मसला है। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक लंबी छुट्टी आ रही है ना आपके पास, आज फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा मिलेगा आपको और मंडे को आप आएंगे इंशाल्लाह,